नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू थिन लेंसेज विद कैपेसिटीज ऑफ प्लस 7D एंड माइनस 2D आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ और फोकस डिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको पता है लेंसेज के कॉम्बिनेशन का, पहले भी आया यहाँ पे देखो, फिर दोबारा आया कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। तो देखो इसे सॉल्व करना, हमने सीखा, हमने पहले ही पढ़ा है, पावर दो पावर दे रखी है, तो इक्वलेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वलेंट पावर होगा P1 + P2, दोनों पावर्स को ऐड कर दें, तो दोनों पावर्स को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, प्लस 7D माइनस 2D, ये आंसर आ जाएगा प्लस का 5D। तो P इक्वलेंट तो आ गया प्लस का 5D। अब आपको बोला है फाइंड द पावर, पावर इक्वलेंट एक तो आ गया आपके पास, एक आंसर तो है पावर का, ठीक है, तो पावर इक्वलेंट। सेकेंड बोला है फोकल लेंथ, फोकस डिस्टेंस का मतलब है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ इक्वलेंट, यहाँ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन विच इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ पावर। सो यहाँ पर आएगा 1/+5, पावर की वैल्यू पुट कर दी तो 1/+5 इक्वल्स टू हो जाएगा 0.2 मीटर, और वी कैन से 200 सेंटीमीटर, या सॉरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ आ जाएगा 0.2 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था इसका पहला पार्ट। सेकंड देखो, मेक नॉमिनेटेड मीन्स लेवल डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इससे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया ही था, इससे लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसका मैग्निफिकेशन पावर सब निकालना था, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम बना चुके हैं, वही सेम इसमें आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन एनी टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए एनी टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपको लिखनी है फर्स्ट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेस शुड बी सेम, और इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेस आप कह सकते हो मस्ट बी इक्वल, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्सेस रिमेन्स कांस्टेंट। फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट का मतलब होता है यहां पर ये टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए, डिक्रीज इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फेज डिफरेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, राइट। सो नेक्स्ट देखो, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम पूछा है, बट ये ध्यान रखें इंटेंसिटी का डायग्राम आपने पढ़ा है डिफ्रेक्शन में, बट यहां पर ये पूछ रहा है इंटेंसिटी का डायग्राम इंटरफेरेंस में। तो इंपॉर्टेंट डायग्राम वैसे डिफ्रेक्शन का होता है, बट ये इंटेंसिटी का इसमें पूछ लिया इंटरफेरेंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो इंटेंसिटी का डायग्राम कुछ इस तरह से आता है, देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी होती है, तो इंटेंसिटी यहां पर ये पुट कर दिया, इंटेंसिटी है, ठीक है। तो मैक्स इंटेंसिटी यहां पर ये लेवल ले लेते हैं, मैक्स इंटेंसिटी को डिनोट करता है इंटेंसिटी मैक्स, और ये लेवल ले लेते हैं जो मिनिमम इंटेंसिटी को डिनोट करता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी की बात करें तो ये इंटरफेरेंस में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस कंटिन्यूसली मिलती हैं, तो यहाँ पर हम डिफरेंस लिख देते हैं जीरो, फेज डिफरेंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जीरो है, तो जीरो फेज डिफरेंस में आपको पता है इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो ये मैक्स के लिए है और ये वाला मिनिमम के लिए है, तो मैक्स से मिनिमम और मैक्स से मिनिमम ऐसे आएगा, फिर ये मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम, इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसे आता है इस तरह से, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जीरो, जीरो के बाद जो नेक्स्ट इंटेंसिटी मिनिमम आएगी वो पाई पे आएगी, और मैक्सिमम जो आएगी वो 2π पे आएगी, फिर ये जो मिनिमम आएगी 3π पे आएगी, इस तरह से दोनों साइड हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी पाई और यहाँ पे 2π और यहाँ पे 3π। इस तरह का जो ग्राफ हम बना रहे हैं इसको कहते हैं इंटेंसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए ग्राफ होता है, ठीक है, जो फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है। 0, 2π, 4π पे तो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और पाई 3π पे है देख लो आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंटेंसिटी कम हो जाती है और
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 0 पर 2 पाई पर 4 पाई पर इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, यहां तक भी ले सकते हैं इसको, 4 पाई यहां भी लिख सकते हैं इसको, तो यहां लिख दिया 4 पाई। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी मैक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी मिनिमम, राइट। और इस एक्सिस पर आप पाथ डिफरेंस भी रख सकते हैं, डिस्टेंस भी रख सकते हैं, कि ये 0 है तो 0, यहाँ पे लैम्डा बाई 2 है, फिर ये लैम्डा है, फिर ये 3 लैम्डा बाई 2 है, फिर ये 2 लैम्डा है। ठीक है, इस तरह से भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इंटेंसिटी वर्सेस फेज, इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, किसी में भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, उसको कहते हैं इंटेंसिटी डायग्राम, इंटेंसिटी कर्व इन इंटरफेरेंस, राइट। नेक्स्ट देखो, राइट एन एक्सप्रेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में, ये पहले भी बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा लिखेंगे टोटल पाथ, फेज डिफरेंस होता है फाई अपॉन 2 पाई, टोटल फेज होता है 2 पाई। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन से आप फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो और पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। अपने आप में इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वैसे भी न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर x एक्सिस पर, यहाँ तो आपने ये रख दिया, देखो फेज डिफरेंस रख दिया, तो यहाँ फाई रख दोगे, और अगर पाथ डिफरेंस रखा तो यहाँ पे डेल्टा x रख देंगे, डेल्टा x रख सकते हैं, फेज को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था 16 इंटेंसिटी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की इंटेंसिटी के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, आ जाओ नेक्स्ट अगला, व्हाट इज वेव फ्रंट, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेस्ड ऑन हैगन्स वेव थ्योरी। तो वेव फ्रंट आपने पढ़ा है बच्चों, देखो ये सोर्स है और सोर्स के आसपास जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब पार्टिकल्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे पार्टिकल्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, इन सारे पार्टिकल्स को बोलते हैं, दीज पार्टिकल्स आर इन सेम फेज, दीज पार्टिकल्स आर इन सेम फेज। लाइट यहाँ से निकली है, तो लाइट यहाँ से निकलेगी, सी लाइट की स्पीड है, टी टाइम है। ठीक है, तो ये जो रेडियस बन रही है स्फेयर की, इसकी रेडियस होती है सी टी, सी इज द लाइट ऑफ स्पीड, टी क्या है टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम क्या आता है डिस्टेंस। तो सोर्स से सी टी डिस्टेंस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, सोर्स से सी टी डिस्टेंस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये सारे सोर्स से सी टी डिस्टेंस पर हैं। इन सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद जो लोकस मिलता है हमें, इट्स कॉल्ड वेव फ्रंट। सो व्हाट इज वेव फ्रंट, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स अराउंड द सोर्स, अराउंड द सोर्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ऐसे सब पार्टिकल्स को ज्वाइन कर लो जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं मतलब एक जैसा वाइब्रेट कर रहे हैं, और एक जैसी डिस्टेंस पे हैं, विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स अराउंड द सोर्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट, इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट तो आपने पढ़ लिया, वेव फ्रंट के टाइप्स की बात करूँ तो एक होता है स्फेरिकल, एक होता है सिलेंड्रिकल, और एक होता है प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, और जितनी भी रेज होती हैं वो वेव फ्रंट के होती हैं परपेंडिकुलर, हमेशा वेव फ्रंट के 90 डिग्री पर होती हैं। ठीक, नेक्स्ट आपको बोला एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट बेस्ड, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेस्ड ऑन हैगन्स वेव थ्योरी। तो हैगन्स की जो वेव फ्रंट की थ्योरी थी, वेव फ्रंट थ्योरी ऑफ हैगन्स, उसके बेस पर हमें रिफ्रैक्शन का एक लॉ इम्पॉर्टेंट प्रूव करना है, जिसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ हम प्रूव कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैगन्स वेव थ्योरी। तो हैगन्स वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो, अब आंसर में देखो हमें डिस्कस करना है, आंसर में एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम में दो मीडियम हैं, फर्स्ट मीडियम ये वाला आएगा मीडियम वन, दो मीडियम है, पहला मीडियम होगा ये मीडियम वन और दूसरा मीडियम है मीडियम टू, इसमें वेलोसिटी है v2, इसमें वेलोसिटी है v1। ठीक है, और डेंस मीडियम है इसलिए v2 इज ग्रेटर देन v1 है, राइट। अब आप देखो ध्यान से,
तो ये है वेव फ्रंट, ये वाला कौन सा वेव फ्रंट है मैं थोड़ा थिक करके बना देता हूँ, ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस वन, ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। और हम बात करें अगर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट की, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा ये वाला, ये वेव फ्रंट है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, विच इज ई सी कह सकते हैं, ई सी, ठीक है। सो ए बी, ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट, वेव फ्रंट है, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। और ये जो हम बना रहे हैं ये है रेज, रेज क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होती हैं, ठीक है, वेव्स हमेशा परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होती हैं, राइट। अब फर्स्ट मीडियम है तो लाइट की स्पीड क्या है, v1, इस मीडियम में लाइट आ रही है v1 स्पीड से, वेव फ्रंट आ रहा है v1 स्पीड से। नेक्स्ट मीडियम है ये वाला सेकेंड मीडियम, मीडियम टू ये आएगा, सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड हो जाएगी v2, तो नेक्स्ट मीडियम में जाने के बाद जो वेव फ्रंट होता है ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। अब इन वेव फ्रंट की हेल्प से हमें स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, तो आप प्रीवियस पेज पे आओ, देखो आंसर स्टार्ट करोगे, डिस्क्राइब करोगे क्या हम करने वाले हैं, क्या हमें करना है, कैसे कर रहे हैं, क्या स्टार्ट किया। देखो, वी विल नाउ यूज हैगन्स प्रिंसिपल टू डिराइव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लेट पीपी डैश रिप्रेजेंट द सरफेस सेपरेटिंग मीडियम 1 and 2 एज शोन इन फिगर। एक फर्स्ट मीडियम, एक सेकेंड मीडियम है, v1 v2 आर द स्पीड्स ऑफ लाइट इन द मीडियम, जो भी हम यूज करेंगे v1 v2 टर्म्स उनको भी हमें एक्सप्लेन करना है कि लेट v1 एंड v2 रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। ऐसे लिखोगे, वी एज्यूम अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी, अब आपने देखा कि एक वेव फ्रंट ए बी स्ट्राइक कर रहा है, सो वी एज्यूम अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी प्रोपोगेटिंग इन द डायरेक्शन ए ए डैश इंसिडेंट ऑन इंटरफेस एट एंगल आई एज शोन फिगर। तो एंगल जो इंसिडेंस एंगल होगा वो आई ले रहे हैं, जरूरी है कि आई एंगल से ही इंसिडेंट वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, ए बी प्लेन वेव फ्रंट है, इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट भी कहते हैं, ठीक है। सो फिगर पर हम ध्यान दें, इधर देखो फिगर पर ध्यान देते हैं, ये है ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, और ये एंगल जो दे रखा है आपको, ये एंगल है आई, ये एंगल आई है, ठीक है, और ये है रे, ये हमने बनाई है रे, ठीक। अब आप देखो ध्यान से आगे, हम क्या करेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होने के बाद रे क्या होगी, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होगी, तो ये रे हम बना रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे, ये रे, तो ये तो है इंसिडेंट रे, और ये क्या हो जाएगी अंदर सेकेंड मीडियम में जाने के बाद, ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, और ये एंगल जो आएगा ये आएगा आर, ये एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, एंगल आर, ठीक है। तो अगर ये एंगल आर है, इधर देखो, तो ये भी एंगल क्या होगा आपका, एंगल देख लो, ये नॉर्मल है, ये तो हम नॉर्मल बना रहे हैं ये वाला, तो ठीक है, ये एंगल क्या होगा आर, तो ये एंगल क्या होता है ये वाला, ये एंगल आता है, अगर आर ये वाला है तो ये 90-R होगा, 90-R, ठीक है, तो ये 90-R है, ये एंगल आपका 90 होता है, तो ये 90-R है, ये 90 होता है, तो ये एंगल क्या बचा, ये एंगल जो मिलेगा हमें मिलेगा आर, ठीक है। तो ये आर है, ये आर है, ये आई हो गया, ये आर है एंगल आपके पास ये वाला, ठीक है, तो ये आर, ये आई हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आप देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ कहाँ से होता है, शुरू में ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई, ठीक है, तो अगर ये आई है तो ये क्या हुआ, अगर ये आई है तो ये होगा 90-I, क्यों, क्योंकि रे वेव फ्रंट के हमेशा 90 डिग्री पर होती हैं, ये है आपकी रे और ये है आपका वेव फ्रंट, कितना एंगल है टोटल 90, तो ये 90 में से अगर ये आई है तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा 90-I, ठीक है, तो ये 90-I है। अब नॉर्मल तो आपको पता है, नॉर्मल तो होता ही सरफेस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल अगर 90-I है तो ये एंगल क्या बचा, आई, ठीक है। तो ये एंगल्स की तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, एंगल्स कैसे डिफाइन किया हमने, एंगल को हम लिख सकते हैं, ये एंगल हो गया आई और ये एंगल हो गया आर, इन दो एंगल्स का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो
इन फर्स्ट मीडियम लाइट ट्रेवल विद स्पीड v1 एंड इन सेकेंड मीडियम लाइट ट्रेवल विद स्पीड v2। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो ये हमने लिख लिया था वेव फ्रंट के लिए। वी अज्यूम अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी प्रोपोगेट इन द डायरेक्शन ए डैश इंसिडेंट और इंटरफेरेंस एट एंगल ए एज शोन इन फिगर, सॉरी एट एंगल आई एज शोन इन फिगर। तो एंगल आई पे इंसिडेंट वेव फ्रंट रहा। लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू ट्रेवल डिस्टेंस बी सी। अभी जो टी टाइम हमने सपोज किया है, लेट, अब टी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंट्रोड्यूस करने से पहले आप उसको लिखना पड़ेगा। लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू ट्रेवल द डिस्टेंस बी सी। अब ध्यान से देखो बी सी कौन सी डिस्टेंस है। लेट टी बी द टाइम टू ट्रेवल द लाइट डिस्टेंस बी सी, सो इट इज डिस्टेंस बी सी यहां से लेकर यहां तक। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, वी वन इंटू टी आई। सो डिस्टेंस बी सी इक्वल्स टू वी वन इंटू टी बिकॉज फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड वी वन है। अब आप देखो यहां से भी तो लाइट आगे सेकेंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये वाली ए टू ई, ये सेम टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस है, तो ए टू ई की वैल्यू लिखी हुई है। देखो ये डिस्टेंस आएगी वी टू इंटू टी, क्या डिस्टेंस होगी वी टू इंटू टी। ये डिस्टेंस क्या आई, ये डिस्टेंस आ गई वी वन इंटू टी, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी वी टू इंटू टी। ठीक है, तो फर्स्ट मीडियम में वी वन टी, सेकेंड मीडियम में वी टू टी। अब हमें जो ये वेव फ्रंट बनाना होता है, जो हमने सी वेव फ्रंट बनाया इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसको ड्रॉ करने के लिए आप देखो ए से आपने क्या डिस्टेंस लिया वी टू टी का कंपास लेकर आप यहाँ से क्या करोगे, इस तरह से एक स्फेरिकल शेप बनाओगे, इस तरह का कंपास लेकर क्या करेंगे, स्फेरिकल शेप बनाएंगे हम वी टू टी रेडियस का। सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द शेप ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट चाहिए आपको, वी ड्रॉ अ स्फेरिकल रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस वी टू टी। तो वी टू टी का एक स्फेयर बनाया हमने, ये है वी टू टी का स्फेयर। ठीक है, तो इतना स्फेयर हम थोड़ा सा थिक बना दें, वी टू टी का स्फेयर है ये स्फेयर बनेगा वी टू टी का। ठीक है, अब फ्रॉम द पॉइंट ए से वी टू टी का स्फेयर बनाया इन द सेकेंड मीडियम, राइट। लेट सी रिप्रेजेंट द टेंजेंट प्लेन, अभी जो सी मैंने ड्रॉ किया है वाला, ये स्फेयर का टेंजेंट मतलब टच करता हुआ एक प्लेन होगा, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सो लेट सी रिप्रेजेंट द टेंजेंट प्लेन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी ऑन द स्फेयर, सी रिप्रेजेंट द टेंजेंट प्लेन ड्रॉन ऑन द स्फेयर फ्रॉम पॉइंट सी। तो सी से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। देन ए ई, अब ए से ई तक की डिस्टेंस मैं बता चुका हूँ कितनी है, वी टू टी है, एंड सी वुड रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये बता चुके हैं। इफ़ वी नाउ कंसिडर द ट्राइंगल ए बी सी एंड ए ई सी, अब आपको दो ट्राइंगल कंसिडर करने हैं ए बी सी और ए ई सी, ये दो ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, राइट। इस ट्राइंगल का एंगल लेंगे आई और इस ट्राइंगल का एंगल लेंगे आर। डायग्राम अच्छे से बनाना है, सबसे पहले डायग्राम ही आपका इंप्रेशन होता है बोर्ड एग्जाम में, सब्जेक्टिव पेपर में अगर आप कोई आंसर दे रहे हो सो फर्स्ट इंप्रेशन होता है डायग्राम का। तो डायग्राम आपका बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ये तो आप स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाने के बाद आप देखो, अब हमने दो ट्राइंगल लिए हैं, ध्यान देना ए बी सी और ए ई सी, ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी और ए ई सी। अब इन ट्राइंगल्स में आपको साइन एंगल की वैल्यू लेनी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइन एंगल। जैसे मैंने लिया साइन आई, तो आप बताओ साइन आई इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी, और हाइपरटेन्यूस क्या है ए सी, ये साइन आई है। और मैं लेता हूँ अगर साइन आर, तो साइन आर क्या होगा, आर के सामने एंगल, आर के सामने वाली साइड क्या ए ई है, तो ए ई, और हाइपरटेन्यूस क्या है अगेन ए सी। ठीक है, अब हमें बी सी और ए ई की वैल्यू तो पता है ना, देखो ए ई की वैल्यू कितनी है वी टू टी, और बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है वी वन टी, ये रहा बी सी वी वन टी अपॉन ए सी, और ए ई की वैल्यू कितनी है लिखा हुआ, देखो ए ई की वैल्यू कितनी है वी टू टी, ये लिखा था यहाँ पर वी टू टी। ठीक है, ये लिखा हुआ वी टू इंटू टी, सो ए ई की वैल्यू वी टू टी लिखा हुआ है, तो लिख दिया वी टू टी अपॉन ए सी, इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा साइन आई अपॉन साइन आर,
साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, वी वन टी अपॉन वी टू टी, ठीक है, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, वी वन अपॉन वी टू, राइट। ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, दो ट्राइंगल लिए साइन आई और साइन आर, दोनों को डिवाइड किया, वी वन टी और वी टू टी आ गया, ठीक है। अब साइन आई अब और साइन आर की वैल्यू है वी वन अपॉन वी टू, फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट दैट इफ आर इज लेस देन आई, आई आप लोगे स्मॉल स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो इन जो हमने देखा यहाँ पर ये साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू आ गई, इक्वेशन थर्ड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट दैट आर इज लेस देन आई, दैट मीन्स इफ द रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल द स्पीड ऑफ लाइट वेव इन सेकेंड मीडियम वी टू विल बी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट वेव इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है। दिस प्रडिक्शन इज अपोजिट टू प्रडिक्शन फ्रॉम द कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट। ये थ्योरी थोड़ी सी आपकी डिफरेंट है, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से थोड़ा डिफरेंट बताया, वैसे भी अलग अलग थ्योरी थी, न्यूटन की अलग थी, हैगन्स की अलग थी। खैर इसका इस आंसर से कोई लेना देना नहीं है, आप इसको हटा सकते हो, उस लाइन को तो आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, दिस प्रडिक्शन ये हटा दो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे क्या है हमें लिखना है, हमें देखना है आप किसकी वैल्यू, देखो एन वन की वैल्यू, एन वन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, म्यू वन भी कह सकते हैं, एन वन भी कह सकते हो, तो एन वन की वैल्यू होती है सी अपॉन म्यू वन, ये एन वन की वैल्यू है, एन टू की वैल्यू है सी अपॉन म्यू टू, ठीक है। तो एन वन एन टू की वैल्यू हमारे पास है, तो आप क्या यहाँ से वी वन की वैल्यू लिख सकते हैं, वी वन की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन एन वन, और वी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी सी अपॉन एन टू। हमारे पास जो रिलेशन आया था वो क्या था, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड थी हमारे पास क्या थी, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू, यही था। तो वी वन की वैल्यू रख दो सी अपॉन एन वन, वी टू की वैल्यू रख दो सी अपॉन एन टू, सी अपॉन एन वन यहाँ आ जाएगा सी अपॉन एन टू, तो ये आ जाएगा एन टू अपॉन एन वन, ठीक है। तो एन टू अपॉन एन वन मतलब ये आ गया एन वन साइन आई इक्वल्स टू एन टू साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, ये साइन आई एन वन को लिया इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन आर को ले जाके एन टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास एन वन साइन आई इक्वल्स टू एन टू साइन आर, ठीक है। इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट देखो आगे, डिफाइन द कोहेरेंट सोर्सेस, ये वही बात कर रहा है इंटरफेरेंस की, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा चेंज कर करके बता रहे हैं कि वॉट इज कोहेरेंट सोर्सेस, तो क्या डिफाइन करोगे कोहेरेंट सोर्सेस को, कैसे डिफाइन करोगे, द सोर्सेस विच हैव, द सोर्सेस विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, जो हमें पता है सेम फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस, ऐसे सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट होता है कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। नेक्स्ट देखो, डिफाइन डिफ्रैक्शन, ये छोटा क्वेश्चन है, आपने पहले भी पढ़ा है डिफ्रैक्शन का, तो द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एजेस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये पहले पढ़ चुके हैं हम, डेफिनेशन सेम है, पहले लिखी थी, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। फिर पूछा है वाई आर डिफ्रैक्शन मोर इजीली रिफ्लेक्टेड इन साउंड देन लाइट, ये मैंने उस टाइम भी आपको कंडीशन बताई थी कि डिफ्रैक्शन की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में इसका आंसर छुपा हुआ है। कंडीशन क्या है, कंडीशन थी साइज ऑफ ऑब्स्टेकल जिसके अराउंड लाइट को मुड़ना है, मतलब डिफ्रैक्शन होना है, तो डिफ्रैक्शन इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर्स पर मुड़, लाइट डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेकल के कॉर्नर्स पर बेंड होना लाइट का, सो ऑब्स्टेकल की साइज इट शुड बी इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव, ठीक है। तो पूछा है वाई आर डिफ्रैक्शन मोर इजीली रिफ्लेक्टेड इन साउंड देन लाइट, साउंड में डिफ्रैक्शन इजीली क्यों ऑब्टेन होता है, बिकॉज फॉर डिफ्रैक्शन साइज ऑफ ऑब्स्टिकल शुड बी इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ वेव, सो वेवलेंथ ऑफ साउंड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट,
wavelength of light. So sound wavelength is very very greater than wavelength of light, and the obstacle jo normally obstacles we get around the room, around the us, normally obstacles are large in size. So lambda of sound wave is large, so diffraction of sound get easily available for us. So ye iska answer hoga. Clear? Next dekho 18 ke baad agla. Two coherent sources of unit intensity 1.6 and 0.4 produce interference pattern on the screen. Find intensity at that point where the path difference 1/6 of wavelength. ठीक है, दो इंटेंसिटी है. सबसे पहले आपको क्या दिया, देखो इंटेंसिटी लिख लेता हूं मैं. I1 की वैल्यू है 1.6, I2 की वैल्यू है 0.4. ये दो इंटेंसिटीज हैं. फाइंड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज 1/6. पार्ट डिफरेंस गिवन है डेल्टा एक्स, गिवन है λ/6. ये एक पॉइंट है पी वेयर पार्ट डिफरेंस इज λ/6. सो हम फेज डिफरेंस पहले निकाल लेंगे. सबसे पहले पार्ट डिफरेंस की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का. डेल्टा एक्स की वैल्यू है λ/6, ये लेमडा से लेमडा कैंसिल हुआ. फाई की वैल्यू आ जाएगी 2π/6 मीन्स π/3. ठीक है, सो फाई की वैल्यू हो जाएगी π/3. सो इट इज फेज डिफरेंस विच इज π/3 एट दैट पॉइंट पी, जहां हमें इंटेंसिटी निकालनी है. ठीक है, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है और इस पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस λ/6 है, तो इसी पॉइंट पर फेज डिफरेंस क्या होगा, वो हमने निकाल लिया π/3. अब बताओ फेज डिफरेंस निकालने का क्या यूज है, हमें निकालनी थी इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, एट एनी पॉइंट पी. सो इंटेंसिटी का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये रिजल्टेंट कह सकते हैं हम आफ्टर सुपरपोजिशन और इन इंटरफेरेंस. सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है IP=I1+I2+2√I1√I2cos φ. ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा, इंटेंसिटी का रिलेशन है I1 plus I2 plus 2 √I1 I2 cos φ. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का रिलेशन आता है √A1² + A2² 2A1 A2 cos φ. तो ये है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का रिलेशन. उसी तरह से सो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, इंटेंसिटी निकाल सकते हैं. I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है 1.6, I2 की वैल्यू है 0.4 प्लस 2, I1 की वैल्यू है 1.6, I2 की वैल्यू है 0.4, cos φ, φ की वैल्यू है π/3, π/3 मीन्स 60 degree, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 कितना होगा 1/2. ठीक है, अब यहाँ पर इजीली 2 से 2 कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो गया 2 से 2, देन ये आ जाएगा 1.6 और 0.4 कितना हो जाएगा 2 प्लस. अब यहां पर इनका अंडर रूट निकालना है, तो 1.6 का अंडर रूट क्या होगा, 1.6 है तो 1.6 का अंडर रूट होगा और 0.4 का अंडर रूट है, इन दोनों का अंडर रूट निकालना है. तो 1.6 का अंडर रूट निकाल लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2, और 0.4 का भी अंडर रूट निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा, ये भी आ ही जाएगा पॉइंट्स, बट यहां पर पॉइंट्स में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, पॉइंट्स में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है इसलिए हो सकता है वैल्यू कुछ मिस्टेक मिस प्रिंट हो गई हो. सबसे पहले इसमें वैल्यू दे रखी है इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी 1.6 और 0.4 यूनिट दे रखी है, सही है, और फेज डिफरेंस 1.6 λ/6 दे रखा है, फेज डिफरेंस इसी पॉइंट पर निकालना है. तो सेम क्वेश्चन है, 1.6 का अंडर रूट निकालोगे तो 1.26 आ जाएगा, और 0.4 का अंडर रूट निकालोगे तो 0.63 आ जाएगा. लिखते हैं चलो, प्लस 1.2 आ जाएगा इनटू 0.6 आ रहा है, इनटू में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने. ठीक है, तो 1.2 इनटू 0.6 कर लेते हैं, ये 7.2 हो जाएगा, और ये 2 है, 2 प्लस 7.2 ये हो जाएगा 7 और 2 9,
9.2 यूनिट आएगी इस पॉइंट पर जहां पर पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस 1/6 पार्ट डिफरेंस दे रखा है 1/6, ठीक है। और अगर ये पॉइंट नहीं होता तो इजीली कैलकुलेट हो जाता, तो ये पॉइंट अगर नहीं लें अपन तो 16+4 हो जाएगा 20 और 16 का हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2। पॉइंट अगर नहीं आता है तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है, खैर ये बट नहीं है, इसमें मिसप्रिंट हो सकता है, हो बट इसमें हमारे पास यही दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर निकाल लिया 9.2 यूनिट, ठीक है। अगला देखो 19 के बाद, नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज 0.8 mm। कौन सी डिस्टेंस गिवन है, देखो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स ये गिवन है 0.28 mm, एमएम का मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ द स्क्रीन डिस्टेंस कैपिटल डी, स्क्रीन डिस्टेंस कितनी है 1.4 मीटर, ये तो मीटर में ही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज 1.2 सेंटीमीटर, सो एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला लगाते हैं n लैम्डा d बाय d, विच इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर, और n की वैल्यू क्या है, फोर्थ है, x nth ब्राइट अगर हम लें तो उसका फॉर्मूला होता है n लैम्डा d बाय d, तो n की वैल्यू फोर्थ है, यहाँ पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो n की वैल्यू 4 है, 4 लैम्डा डी बाय डी इक्वल्स टू गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, ये गिवन था, अभी हमने कोई वैल्यू पुट नहीं की, जैसा दिया था एज इट इज यूज किया। पूछा है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, तो हमें क्या निकालना है इसमें से, लैम्डा, तो लैम्डा हम निकाल लेते हैं यहाँ से, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा इक्वल्स टू होगा 1.2 सेंटीमीटर है इनटू डी अपॉन 4 कैपिटल डी, तो 4 लैम्डा डी बाय डी 1.2 है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा 1.2 डी डिवाइड बाय 4 डी, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखेंगे, सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 1.2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मतलब 10⁻², स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स वो दे रखा है 0.28 mm, तो 0.28 mm मतलब 10⁻² हो गया -3 मिलीमीटर, देन 4 एंड डी, डी इज अ डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन विच इज 1.4 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने पुट कर ली यहाँ पर, अब 10⁻²-3 ये हो गया -5, ठीक, -5 के अलावा आप देखो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो हटा दिया हमने, ठीक है, और ये जो पॉइंट हटेगा 0.28 वाला, ये पॉइंट हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, और 100 के अगर 0 ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर में माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास ओवरऑल देखें अगर, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे आ रहा है 4 बाय 4 मतलब 3, 4 से 12 कैंसिल कर दो 3 आएगा, इनटू 14 से 28 कैंसिल करो 2 आएगा, इनटू 10⁻²-3, -2, -5 था, माइनस और आगे 2 तो -7 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 6 × 10⁻⁷, और वी कैन से 6000 एंगस्ट्रॉम, ये लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है। सो इट इज अ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट YDSE। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू मिलती है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है 21, द एनर्जी इन द लोएस्ट स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दिस केस फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोएस्ट स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी जो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आपको पता है, आपने पढ़ा है फॉर्मूला, सबसे पहले आपको पता है टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -ke² / r, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है +ke² / 2 r, राइट। देन टोटल एनर्जी जो इन दोनों को सम करने पर मिलती है, इन दोनों को जोड़ लो आप, इन दोनों को ऐड कर लो, तो आएगा -ke² / 2 r,
ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और टोटल एनर्जी की वैल्यू, इन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी? सो टोटल एनर्जी इज माइनस के स्क्वायर अपॉन टू आर और काइनेटिक एनर्जी इज प्लस के स्क्वायर अपॉन टू आर। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। यहां पे देखो द एनर्जी इन द लोअर स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस 13.6 है, वो माइनस लिखा हुआ है, मैं यहां लगाता हूं। देखो क्या एनर्जी है, माइनस 13.6। देन पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी मतलब माइनस टोटल एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहां पर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह है फॉर्मूला या यह है वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला पूछा है आपसे, राइट द रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो रिडबर्ग फॉर्मूला ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये आपने पढ़ा है, रिडबर्ग फॉर्मूला कहाँ पर आएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, 1 अपॉन लेमडा और न्यू बार इक्वल्स टू आर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका रिडबर्ग का ये है, रिडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पर यूज करते हैं। और इसकी वैल्यू अगर लिखें तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1.097 इंटू 10^7, ये वैल्यू होती है, ठीक है। फिर इसमें पूछा है राइट द रिडबर्ग फॉर्मूला, तो रिडबर्ग को लेकर फॉर्मूला तो ये बनता है, फिर भी आप अगर इसका जो बेसिक अगर देखें कि रिडबर्ग फॉर्मूला कहाँ से मिला था हमें पहली बार, तो अगर पहली बार रिडबर्ग फॉर्मूला मिला वहाँ से, अगर आर की वैल्यू जो आती है, आर की वैल्यू हमारे पास, वहाँ से भी आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। वो एक टिपिकल फॉर्मूला जो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें एनर्जी डिफरेंस से आर की वैल्यू निकालते हैं, एनर्जी डिफरेंस से आर की वैल्यू निकाली थी इसमें। नेक्स्ट देखो आर की वैल्यू क्या होगी, इसमें वैल्यू मिलती है, बाकी 1.097 इंटू 10^7 ये तो वैल्यू है इसकी, 10.97 इंटू 10^6 भी वैल्यू आती है इसकी, 10.97 इंटू 10^6 ये भी वैल्यू है। और अगर R की वैल्यू लिखें तो R का फॉर्मूला जो इसमें बोला गया है, R इक्वल्स टू होगा के स्क्वायर 2π² के स्क्वायर 2π² एम ई पावर 4 अपॉन CH³। ये फॉर्मूला रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला है, इससे ही वैल्यू निकालते हैं, जो मिलती है हमें 1.097 इंटू 10^7 मीटर इन्वर्स। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा अगर ये फॉर्मूला बोला है तो, मीटर इन्वर्स, ठीक है। ये था 21 का, फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखो, एज शोन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एनर्जाइज फ्रॉम एनर्जी लेवल 2e टू एनर्जी लेवल e, दिस फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ, द फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ लेमडा आर एमिटेड, द फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ लेमडा आर एमिटेड। यहाँ पर आपको लेमडा दिया हुआ है, लेमडा आर एमिटेड। इन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल 5/4e टू एनर्जी लेवल ई, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन। अगर लेवल चेंज हुआ, जैसे 2e से e अगर ट्रांजिशन होता है तो वेवलेंथ निकल रही है लैम्डा, और अगर ट्रांजिशन 5e/4 से e होता है तो कितनी वेवलेंथ की एनर्जी एमिट होगी, आपसे पूछा है, ठीक है। सो 2e माइनस ई इक्वल्स टू होगा hc बाय लैम्डा, 2e माइनस ई इक्वल्स टू होगा hc बाय लैम्डा। सो ई इक्वल्स टू हुआ hc बाय लैम्डा, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड हो गया 5e/4 माइनस ई, अगर ट्रांजिशन होता है 5/4 से ई, यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, सो ट्रांजिशन अगर 5e/4 से ई होगा, तब जो वेवलेंथ एमिट हो रही है वो है hc बाय लैम्डा डैश। तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व करें तो आएगी e/4 इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा डैश। तो e की वैल्यू क्या है, यहाँ से e की वैल्यू है hc बाय लैम्डा, फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, तो आया 1/4 hc बाय लैम्डा इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा डैश। तो hc से hc कैंसिल हुआ, तो यहाँ से लैम्डा डैश की वैल्यू क्या मिल गई आपको, सो लैम्डा डैश इक्वल्स टू 4 लैम्डा। सो नाउ वेवलेंथ इज, नाउ इन दिस केस वेवलेंथ एमिटेड इज
फोर टाइम्स ऑफ इनिशियल केस लैम्डा. इनिशियल केस में लैम्डा था, अब इस केस में है 4 लैम्डा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइंस ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइन बामर सीरीज में मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ की बात हो रही है. इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे. तो मैं पहले लैम्डा की बात करूं तो 1/λ इक्वल्स टू होगा आर 1/N1² माइनस 1/N2². तो बामर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितनी है बेटा? N1 की वैल्यू लाइमन बामर N1 की वैल्यू क्या होगी? 2. N1 की वैल्यू होती है 2 और N2 की वैल्यू क्या होती है? मोर देन 2, मतलब 3, 4, 5 इनफाइनाइट. ठीक है. तो लैम्डा अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो N2 की वैल्यू हमें दो ही पुट करनी है, एक तो 3 पुट करनी है, एक इनफाइनाइट पुट करनी है. ठीक है. N की वैल्यू क्या पुट करें? पहले पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ, तो लैम्डा अगर मैक्सिमम निकालना है तो N2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? इनफाइनाइट की 3. मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी मिनिमम, और एनर्जी मिनिमम किससे आएगी? 3 से. सो 1/λ मैक्सिमम, ये जो आएगा लैम्डा मैक्स, ये आ जाएगा आर 1/N1² मीन्स 1/4 माइनस 1/N2² आ गया 9. डिफरेंस कम होगा एनर्जी का तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए ये रिलेशन आएगा. एलसीएम ले लो यहाँ से 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 4, 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 4. तो 1/λ max इक्वल्स टू होगा 1/λ max इक्वल्स टू होगा 5R upon 36. सो लैम्डा मैक्स क्या आ जाएगा? 5R upon 36, 1/λ max. यहाँ पे ध्यान रखें, गलती ना करें. लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो आएगी इट विल बी 5R upon 36 था 1/λ, अब आ जाएगा 36/5R, इट इज लैम्डा मैक्स. ठीक है. नाउ लैम्डा मिनिमम निकालना है तो 1/λ min, तो लैम्डा मिनिमम के लिए N2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? N2 की वैल्यू जाएगी इनफाइनाइट, तो 1/N1² N1² तो हो गया वही 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/infinite, 1/infinite 0 होता है. ठीक है. तो ये तो आ गया आपका 0 यहाँ पर. सो 1/λ min इक्वल्स टू होगा R/4. सो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 4/R. ठीक है. ये है लैम्डा मिनिमम 4/R और ये है लैम्डा मैक्सिमम 36/5R. सो लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम निकालना है, लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम, तो मैक्स की वैल्यू होगी 36/5R और मिनिमम की वैल्यू आएगी 4/R. R से R कैंसिल हुआ, 4 से 36 कैंसिल करोगे 9 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 9/5. तो लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू हो जाएगा 9/5. लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9/5. ठीक है. इस क्वेश्चन का ये आंसर था, द मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ का जो रेशियो आएगा दैट विल बी 9/5. नाउ नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड द वेवलेंथ ऑफ सेम लाइन इन बामर सीरीज. दोनों के फर्स्ट लाइन के लैम्डा का आपको रेशियो लिखना है. ठीक है. तो लाइमन सीरीज का जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन मिलेगी लाइमन सीरीज की 1/λ L लिखा, यहाँ पर आएगा R. लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 1 होती है और फर्स्ट लाइन में N2 की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी. सो 1/λ L लाइमन के लिए फर्स्ट ले रहे हैं, ये आएगा 1 - 1/4, 4 - 1 आ जाएगा 3R/4. तो लैम्डा एल ये होगा 4/3R. तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की लैम्डा आ गया 4/3R. तो बामर सीरीज का भी लैम्डा निकाल लें, तो बामर सीरीज का भी लैम्डा निकालें तो ये आ जाएगा 1/λ B लिख दिया मैंने यहाँ पे, लाइमन के लिए L और बामर के लिए B लिखा है. फर्स्ट लाइन के लिए निकालना है तो सेम R आ जाएगा, 1/N1. N1 होता है बामर के लिए 4, मतलब 2 होता है, N1 2 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4.
देन फर्स्ट लाइन के लिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, अगेन 9 4 एलसीएम 36 और आएगा 5 R/36, अभी अपने सॉल्व किया था सेम है. सो 1 upon lambda b equals to 5 R/36, तो यहाँ से लेमडा बी जो आएगा वो आएगा 36 R/5, ठीक है 36 by 5 R, आर नीचे आएगा 5 के साथ है R तो 5 R, सो इट इज लेमडा बी. सो रेशो निकालना है लेमडा लाइमन टू बामर, लाइमन टू बामर है कि बामर टू लाइमन है ध्यान रखना, तो लाइमन टू बामर है तो लेमडा एल अपॉन लेमडा बी, लेमडा एल कितना है 4/3 R और लेमडा बामर कितना हो गया 36/5 R, R से R कैंसिल हुआ, 4 से 36 कैंसिल होगा 9 टाइम्स, तो ये आ गया 5/27, 9 into 3 27, तो लेमडा एल अपॉन लेमडा बी.